हाय अनिलो, नमस्कार एवरीवन, दिस रितेश, वेलकम बैक टू द क्लास रूम। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 और 1810 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्रमशः शेष कितना बचता है, 6 और 4 बचता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को इसमें HCF निकालना है, और HCF जैसे मान लीजिए x आया, तो x से अगर हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और फिर उसी x से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो 2400 है इसमें से पहले 6 घटा लीजिए, कितना आएगा, 2394 आएगा, और 1810 में जब भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, तो इसको घटा लीजिए, कितना आएगा, 1806 आएगा। अब फाइनली हम लोग का इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF ऐसे क्वेश्चन पे जब ज़्यादा बड़ा वाला नंबर दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है ना, बहुत ही कम समय में और जल्दी हम लोग का आंसर मिलता है। तो जो छोटा नंबर है जैसे 1806 है ना, इस 1806 से हम लोग डिवाइड करेंगे ग्रेटर नंबर को। सबसे पहले एक बार में देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, माइनस करते हैं, 6 में से, सॉरी 4 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, जाएगा 14, 14 में से 8, यहाँ पे कैरी ले लिए थे, यहाँ 8 बचा था तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, 13, और यहाँ पे 11। ठीक है, माइनस करना है। अब ये जो डिविजर था यहाँ बन जाएगा डिविडेंट। अब इसको कितनी बार में जाएंगे देंगे, तो देंगे हम लोग 3 बार में, 8 या 24 का 4, 8 या 24 एक 2 26, 5 या 15 2 17। यहाँ पे घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 10 में से 6 गया बचा 4, और यहाँ पे एक कैरी ले लेते थे, यहाँ पे 0 0 कट गया। अब यहाँ पे ये नंबर जो डिविजर था यहाँ बन जाएगा कितना जाएगा डिविजर, तो ये देखिए कितनी बार में जाएगा, ये इसको सबसे पहले एक बार में देते हैं, यहाँ 42, यहाँ आया 6 8। अब ये देखिए कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो 42 से पूरा तरह से डिवाइड हुआ ना, इसका मतलब इसका HCF कितना आएगा, 42 होगा। और 42 एक ऐसा नंबर होगा जो जिसे आप डिवाइड कीजिएगा इसको, तो आंसर तो आपको 6 शेष बचेगा, और जब इसको डिवाइड करिएगा तो 4 शेष बचेगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 में कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए जिससे 32, 36 और 48 और 54 से पूर्ण विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए 10,000 एक नंबर है, ठीक है, इससे ऐसा कौन सा संख्या घटाया जाए, घटाने के बाद जब भी हम लोग इससे और इससे इससे डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस सभी का हम लोग निकालेंगे LCM, यानी कि 32, 36, 48 और 54 का निकालेंगे हम लोग LCM। इसका LCM कितना आएगा, देखिए इसका जो LCM आएगा कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 16 18। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत जल्दी बनेगा, बट आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कुछ ही सेकेंड, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के अंदर, उससे भी कम समय में आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर 2 से दिए, यहाँ 4 आया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 27, और इसको फिर एक बार 2 से देंगे हम लोग ना, यहाँ पे 2, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 27, उसके बाद हम लोग किससे देंगे, 3 से देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ पे 9, और फिर 3 से देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 3। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा, तो 48 को क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 96, उसके बाद ये वाला 3 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 864। ये LCM आया। अब क्या करना है, ये जो LCM आया 10,000 से उसको माइनस कर दें, ठीक है, 10,000 से हम लोग इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 864 को जो माइनस करेंगे आएगा 96। ठीक है, तो फाइनली जो ये वाला जो आंसर है ये हम लोग का आंसर है। ये एक ऐसा नंबर है, आप इस चारों से डिवाइड कीजिएगा तो एक कुछ भी शेष नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 38, 45 और 52 में भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखिए, 38 माइनस 2 36 आया, 45 माइनस 3 और यहाँ 45 होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 42,
और यहाँ पे आ गया कितना 52 में से जब हम लोग भाग करेंगे तो 4 6 बचेगा, तो 4 घटाएंगे तो 48 आएगा। अब ये वाला इस तीनों का हम लोग को निकालना है SCF, ठीक है। तो देखिए अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हुआ तो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा एक ही ऐसा नंबर है 6 जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब SCF क्या हो गया 6, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको बेसिक से निकालना तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये है आपको मान लीजिए 36, ठीक है, ये है 36, 36 को पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा कितना 18, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 42 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ से देंगे 2 बार में 21, फिर 3 बार में देंगे 7, और ये 7 को देंगे 1 बार में, यहाँ 3 को दे देंगे 1। अब ये 48 का फिर करेंगे हम लोग क्या, इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 24, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा 1। अब SCF क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सब में हो, सब में जो जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक 2 को लिख लिए साइड में। अब तीनों में कौन सा नंबर, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, यहाँ पे लेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 6, 6 हम लोग का हो गया SCF। समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 7168, उनका मोसा यानी कि SCF दिया हुआ है कितना 16। तो SCF दिया हुआ है तो पहला संख्या हम लोग मान लेते हैं 16 ही है, दूसरा संख्या क्या है 16 भी है, ठीक है। इस दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, इस दोनों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 7168। अब यहां से देखिए ए इंटू बी जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 16 से, इसको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, आएगा आपको 28, ठीक है। अब इस 28 को देखिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अगर 28 इंटू 1, 28 को एक नंबर मान लेते हैं 28 है, दूसरा मान लेते हैं क्या है 1 है, ये ए 28 है बी 1 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। एक और पेयर बन सकता है 7 और 4 का, ठीक है, ए मान लेते हैं 7 है, बी मान लेते हैं 4 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28। अब यहाँ से नंबर फाइंड करेंगे तो देखिए मान लीजिए 16 ए मान लेते हैं 28 है, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा आपको 448। दूसरा नंबर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 1 1 है ना, तो 16 इंटू 1 तो हो जाएगा 16। देखिए एक पेयर ये बना और एक पेयर है कितना 16 इंटू 7 का और 16 इंटू 4 का, ये वाला का, तो यहाँ हो गया 112, यहाँ हो गया 64, तो एक पेयर ये बना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर हर हाल में शेष एक ही बचता है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को, इस सभी का एलसीएम निकाल लेना है, 18, 24 और 30 और 42 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे उसमें बस एक जोड़ देना है, ठीक है, समझ में आपको, एक जोड़ देना है और यहाँ 42 होगा 42, उसके बाद एक जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका, एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ हो जाएगा 2, 9, 12, यहाँ 15, यहाँ हो जाएगा 21। अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, हो जाएगा 3, यहाँ 5, यहाँ जाएगा 7। अब ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 3 6, 6 3 18, ठीक है, इस 18 को जब 5 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 90, 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया इतना, और इतना को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या एलसीएम। उस एलसीएम में हम लोग को कितना जोड़ देना है, बस एक जोड़ देना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कर ही देते हैं, 9 7 42 का 2, 21 और ये हो गया 25, यहाँ पे हो गया इतना, ठीक है, और इसमें एक जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा, ये हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 52, 78 और 170 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचता है, इतना बचता है। सबसे पहले देखिए तीनों का, तीनों से जैसे मान लीजिए 52 से, 52 से जब हम लोग भाग देते हैं तो कितना बचता है 33 बचता है ना, 33 बचता है, तो कितना है यहाँ पे 19 आया। अब 78 से जब भाग देते हैं तो 59 शेष बचता है, देखिए यहाँ भी 19 आया,
117 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं 98 शेष बचता है, यहाँ भी 99 आया। जब तीनों का माइनस सेम हो, ये तीनों का सब्ट्रैक्ट मतलब तीनों का डिफरेंस सेम हो, तो क्या करना है, आप इसका 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 एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद उसमें 19 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 52, 78 और 117 का जब हम लोग एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 468 आएगा, ठीक है। अब इसमें से आप 19 माइनस कर दीजिए तो 449, ये हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप समझ गए कैसे निकालना, तो आप यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करके निकाल सकते हैं ताकि आपका भी स्पीड बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें जिससे 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। यानी कि जब आप उस संख्या को 6 से भाग दीजिएगा तो आपको 4 शेष बचेगा, 7 से भाग दीजिएगा तो आपको 5 शेष बचेगा, 8 से भाग दीजिएगा तो आपको 6 शेष बचेगा, 9 से भाग दीजिएगा तो आपको 7 शेष बचेगा और 10 से भाग दीजिएगा तो आपको 8 शेष बचेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपका डिफरेंस चेक कीजिए। तो यहाँ 6 में से 4 गया तो यहाँ भी 2 आ रहा है, 7 में से 5 गया यहाँ भी 2 आ रहा है, और यहाँ पे 8 में से 6 गया यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, ये पांचों संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब आप इसको एलसीएम निकालिएगा तो आपको आएगा 2520, ठीक है। 2520 इसका मतलब एलसीएम निकालने के बाद नंबर आएगा, एलसीएम आएगा इतना इतना आएगा। अब इसमें क्या करना है, इस संख्या से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9, 9, 9, 6 टाइम 9s। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2520 जो एलसीएम लेने के बाद आया था। अब जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा, हम लोग को क्वेश्चन नहीं लेना है शेष लेना है, शेष कितना आएगा, 2079 आएगा, समझ में आया। तो इस 2079 को क्या करना है, हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे, सॉरी माइनस करेंगे, माइनस किससे करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इससे माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, जो हम लोग का शेष आया, समझ में आया। देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7920, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करना है, जो अब देखिए सब में डिफरेंस कितना था, 2 था ना, अब इसमें से बस आप 2 घटा दीजिए तो ये जो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, समझ में आया। एक दो बार और ये वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस आपका सेम है तो क्या कीजिए, ये सारे नंबर का एलसीएम लीजिए। ये सारे का एलसीएम लेने के बाद कितना आया, 2520 आया। इस 2520 में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसको इसी से घटा दीजिए, उसके बाद माइनस 2 कर दीजिए तो हम लोग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो दिया हुआ है 5:6, तो उनका एलसीएम इतना है और एलसीएम दिया हुआ है 120, तो एचसीएफ फाइंड करने है। अब इस दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा ना, लेकिन एक्चुअल में आपको कितना एलसीएम दिया हुआ है, 120, यानी कि 30 किसके बराबर है, 120 का, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर निकला, अब इस दोनों का देखिए एचसीएफ क्या होगा, इस दोनों का एचसीएफ 20 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसको इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम वही है, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और उसका एलसीएम दिया हुआ है कितना, 180। जब एलसीएम दिया हुआ है तो आप इस दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 12। अब लेकिन एक्चुअल में तो इतना दिया हुआ है, यानी कि 12 इसके बराबर है, कितना आएगा, 15 आएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो। अब इस 15 को सबसे इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 45, तो ये पहला संख्या निकला। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60, ये दूसरा संख्या निकला। हम लोग से पूछा क्वेश्चन में दूसरा संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, देखिए दो संख्या को योग दिया हुआ है, यदि उन संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, मान लेते हैं पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है, 15x है। अब इस दोनों का योग यानी कि प्लस दिया हुआ है कितना, 520, तो यहाँ सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23, ठीक है, 26 हो जाएगा, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 26x, और यहाँ पे दिया हुआ है 520, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 20 आएगा।
बोल रहा छोटी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या क्या होगा, 11 11 इंटू 20 220, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495, 900 और 1600 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जाता है। इसका मतलब सिंपली ये तीनों का हम लोग को निकालना है एस सी एफ। क्या निकालना है हम लोग को, एस सी एफ निकालना है, ठीक है। देखिए एस सी एफ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे मिडिल वाले नंबर को। यहाँ पे देंगे एक बार में 495 आया, यहाँ माइनस करेंगे 5 990, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। ये जो डिविजर था यहाँ बन जाएगा डिविडेंट। अब इसको फिर वन बार में देंगे हम लोग, तो 4 कितना आया, यहाँ से आ गया कितना 90, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 90 आया। अब ये वाला यहाँ पे बन जाएगा, इसको कितनी बार में देंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे इसको 4 टाइम्स देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4, तो इतना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ आ गया 45। अब ये वाला जो डिविजर था यहाँ पे बन जाएगा डिविडेंड, 2 बार में दिए, तो मतलब यहाँ से तो 45 आया। इसी 45 से फिर हम लोग को डिवाइड करना है किसको, इसको करना है, समझ में आया आपको। तो यहाँ लिखिएगा 45 और ये वाला 45 से डिवाइड करेंगे, ये जो सबसे बड़ा नंबर है थर्ड नंबर को, इसको कितनी बार में देंगे हम लोग, 3 बार में देते हैं। 5 3 15 का 5 4 3 12 1 13, और जब इसको हम लोग माइनस किए 5, ठीक है, तो कितना आया, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे आ गया 315। अब ये वाला जो डिविजर था फिर यहाँ पे, सॉरी इसको अभी फिर से डिवाइड करना है, सेवन से डिवाइड करते हैं, 7 5 35 का 5 7 6 28, देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हुआ 45 से, इसका मतलब एचसीएफ क्या आया, 45 आया, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस जो हम लोग इस वीडियो में शेयर किए हैं, और किसी भी तरह का डाउट लगता है आपको पूरे क्लास में तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।